मैं गुजारिश कर रहा हूं, इंजीनियर अली शब्बर नौरानवी साहब से तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल। हाजरानी महफिल, सलाम अलैकुम। सबसे पहले इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद इन नूरानी चेहरों को पेश करता हूँ और यकीनन लायक मुबारकबाद हैं आप हजरात, जो शुरू से लेकर अब तक पूरी अकीदतों के साथ बैठे हुए हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, ये सिलसिला सारी महाफिलों में चलता है, लेकिन जो बैठा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। वो बैठा ही इसलिए है कि उसको सुनना है, और सुनेगा तो मिस्रों का शेर कहा उसको अदा करना होगा। मेरी कोशिश है, मैं अपने जो टूटे फूटे अल्फाज में जो पहुंचा पाऊंगा पहुंचा दूंगा। बस आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा इंशाल्लाह। मैं देखिए ज़्यादा वक्त लेने का आदी नहीं हूँ कि एक तवील वक्त खींचूँ और मतलब उतना एक आपका भी टाइम ज़ाया कर दूँ, अपना टाइम भी ज़ाया करूँ। चंद लम्हात में, चंद मिनटों में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक ऐसी सलवात पढ़ दी जिससे एहसास हो कि आप आमादा हो गए। बाबा मौला के चाहने वाले मौजूद हैं, मतलब हाजिर करता हूँ, अगर पहुँच जाएगा। और मौलाई बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से देखिएगा, सुने। जो बच्चा नाम अली, जो बच्चा नाम अली, सुन के मुस्कुराने लगा। जो बच्चा, जो आगे आ जाओ बेटा, आगे आगे आ जाओ। देखो इससे अच्छा कि मैं वहाँ आऊँ, आप ही हजरत यहाँ आ जाओ, क्योंकि अभी तो देखिए हम लोग तो छोटे शायर अभी मौजूद हैं, और हमारे बाद हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जो शायर जाने और पहचाने जाते हैं वो आपके इस गांव में आज मौजूद हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस जश्न को कामयाब बनाना। मैं जल्दी जल्दी अपने मिस्रों को आप तक पहुंचाऊंगा, बस पूरे अकीदों के साथ आप समा फरमाए, सुने मोहब्बतें। जो बच्चा नाम अली, जो बच्चा नाम अली, सुन के मुस्कुराने लगा। जो बच्चा नाम अली, सुन के मुस्कुराने लगा। रगों में पाक लहू था, असर दिखाने लगा। जो बच्चा, जो बच्चा, देखिए इस मंजिल को जानता हूं मैं, वहीं से बोलिएगा। जो बच्चा आने वाला है वो शेर जिसके लिए सब बोलेंगे, क्योंकि मिसाली ऐसी है। जो बच्चा, जो बच्चा नाम अली, इंशाल्लाह जाहिद भाई धीरे 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 खुद आएंगे इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है, और एक मकाम पे छोड़ने की कोशिश करूंगा। बहरहाल बस आपकी सपोर्ट चाहिए। जो बच्चा, जो बच्चा नाम अली, सुन के मुस्कुराने लगा। रगों में पाक लहू था, असर दिखाने लगा। जो बच्चा नाम अली, सुन के मुस्कुराने लगा। लगा जो है दिरी नारा, तो जो शुमी आके
जो बच्चा नामे अली। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का जाहिद भाई। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, हरम के ताकों में बैठे थे जो खुदा बन के, हरम के ताकों में बैठे थे जो खुदा बन के, अली के खौफ से हर बुत जमीन पे आने लगा। बोलो याद ये बोलना शर्त है। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। जो इस्लाम का इतिहास जानते हैं, मौलाए कायनात कैसे खलीफा बने मालूम है ना? ऐसे नहीं कि खिलाफत खत्म हो रही है बन गए। सुने फिर पेश करता हूँ, चाहता हूँ जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। सुनो अपने मौला की फजीलत। जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से आए हसन। जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, अबू तुराब का दरवाजा खटखटाने लगा। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। देखिए माइक तो इतना बढ़िया चल रहा है, पता नहीं क्यों लोग इसकी शिकायत कर रहे थे। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। लगा जो हैदर नारा तो जोश में आके, अली के इश्क में गूंगा भी लब हिलाने लगा। सुन के मुस्कुराने लगा। जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, हदीस है सुने, तारीख है इस्लाम की, तलवारें लेके मौलाए कायनात के पास पहुंच गए थे कि आप खलीफा बनी, ऐसे नहीं बने मौला। जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, अबू तुराब का दरवाजा खटखटाने लगा। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। और दुआएं चाहता हूं पहुंच जाए शेर किसी लायक हो। यजीदी 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 बद हवास होती है, यजीदी यजीदी फौज उधर बद हवास होती है, सुबे हुसैन इधर हुए कदम बढ़ाने लगा। और बच्चा नामे अली नारा हैदरी, ऐसे नहीं पूरी तमन्नाई के साथ नारा हैदरी। जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, अबू तुराब का दरवाजा खटखटाने लगा। जो बच्चा ना
अच्छा है, इनकी दाढ़ियां निकल गई, वो पहले वो भी बच्चे थे, वो भी मौला ग्राम सिंह के मुस्कुराया करते थे। ठीक है, जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, और शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, जो बच्चा नाम अली ज़बान खुलते ही ज़ैनब की कसर बातिल में, ज़बान खुलते ही ज़ैनब की कसर बातिल में, ज़बान खुलते ही ज़ैनब की कसर बातिल में, यज़ीद ताख़्ते खिलाफत पे थर थराने लगा, नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, मुनाफिक सोचते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन सोचते हैं कि इनकी मस्जिदों में बम फोड़ दो, ये खत्म हो जाएंगे, इनके अज़ाखानों में बम फोड़ दो, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ओ बदबख्तो, तुम इस कौम को जानते नहीं, एक मारोगे 10 पैदा होंगे, 10 मारोगे 100 पैदा होंगे, 100 मारोगे 1000 पैदा होंगे, 1000 मारोगे 1 लाख पैदा होंगे। कर्बला की मिसाल है, जब रोकना चाहा तो 1 करोड़ हुए, जब 1 करोड़ को रोकना चाहा तो 2 करोड़ हुए, जब 2 करोड़ को रोकना चाहा 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, इतिहास गवाह है 7 करोड़ लोग बचे। सुने एक मतलब दो शेर आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, बतौर खास सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुने हमारा इतिहास एक मतलब दो शेर, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है खास तौर से, हमने सफ़े मातम को बिछाना नहीं छोड़ा, बोलना शर्त है, हमने इंशाल्लाह आप जाग जाएंगे शेर पे, हमने सफ़े मातम को बिछाना नहीं छोड़ा, अरे घर फातिमा ज़हरा को बुलाना नहीं छोड़ा, ज़हरा को बुलाना नहीं छोड़ा, सही करते रहे बात रहे हाथ कलम भी, अरे शियों ने मगर करबला जाना नहीं छोड़ा, सफ़े मातम को बिछाना नहीं छोड़ा। मौला के चाहने वाले अगर हैं और खड़े हैं और किसी ज़रूरत से खड़े हैं तो ठीक है, और बिला वजह खड़े हैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम फर्श महफिल पे आ जाए, क्योंकि यहाँ जो सवाब मिलेगा यकीनन वहाँ नहीं मिलेगा, जो दुआ यहाँ से कबूल हो जाएगी वहाँ से नहीं होगी। जो बिला वजह खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो फर्श बिला पे आ जाए। हमने सफ़े मातम को बिछाना नहीं छोड़ा, घर फाते
फातिमा जहरा को बुलाना नहीं छोड़ा, शियों ने मगर करबला जाना नहीं छोड़ा। तो मी समके सरेदारी जबा कट गई, लेकिन हैदर के फजाइल को सुनाना नहीं छोड़ा। हैदर के फजाइल को, हैदर के फजाइल को समाज भेजे पर मोहम्मद वाले। हजरत, बहुत ही कम वक्त लेते हुए, क्योंकि जश्न है सब्र वफा, और इस जश्न में अगर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हो तो इस जश्न का हक अदा ही नहीं हो सकता। मैं अब जो नज़्म सुनाने जा रहा हूँ, परवरदिगार ने बड़ी ज़बरदस्त से नवाजा, आपकी बारगाह में, आपकी मोहब्बतों में और आपकी अदालत में रखता हूँ। किसी लायक हो तो दुआओं से ज़रूर नवाज दिएगा। ख़ास तौर से ये मजमा जो अब तक खामोश बैठा है, इंशाल्लाह सिर्फ दो या तीन बंद, उसके बाद अपनी जगह ख़ास तौर से पूरी तरह मेरे साथ शामिल रहेंगे इंशाल्लाह। जरूर देखिएगा, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खास तौर से हाजिर करता हूँ, मौला फरमा रहे हैं, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको किबला दुआ चाहता हूँ, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है, अपने अजदाद के हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। सरकार फरमा रहे मिस्रों की दाद चाहता हूँ, सुने खास तौर से, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मौला फरमा रहे सुने, चांद सूरज ने मेरे रुख से चमकना सीखा। बोलिएगा, ठीक है, बोलना चाहता हूँ, बोलिएगा। बाबुल हवाई से चाहने वाले हैं, उन्हीं की बारगाह में बैठे हैं, और दुआ करता हूँ कि इस जिक्र के सदमे में आपकी जितनी भी मुरादें हैं जो लेके यहाँ आए हैं, परवरदिगार जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के सदमे में इनकी दुआओं को कबूल कर ले, इनके घर में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे, जो बेरोजगार हैं रोजगार की तलाश में, परवरदिगार मौला अब्बास के सदमे में उनके रोजगार और उनके माल में बरकत अता फरमा दे। उसमें अपने अजदाद के किरदार का काश हूं मैं, जो भी अनजान है वो जान ले आवास में, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मौला फरमा रहे हैं, चांद सूरज ने मेरे रुख से चमकना सीखा, चांद सूरज ने मेरे रुख से चमकना सीखा, मेरे अश्कों से घटाओं ने बरसना सीखा। हाय हाय, सुने सुने, मेरे अश्कों से घटाओं ने बरसना सीखा। मौला फरमा रहे हैं, बर्फ ने मेरी जलालत से कड़कना सीखाए है, बर्फ ने मेरी जलालत से कड़कना सीखा,
दुनिया मुझको बनी हाशिम का। देखिए वक्त नहीं लूंगा और कोई मिसरा रिपीट ही नहीं करूंगा, सिर्फ दो या तीन बंद में आपकी रहमतों को तमाम कर दूंगा। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मौला के चाहने वाले मौजूद हैं। देखिए ये जिक्र वो है, आपने महसूस भी किया होगा, जब जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं तो जो हमारे जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाता है, होता नहीं? तो जब चाहने वालों को इतना खौफ तारी है तो सोचिए दुश्मनों का क्या हाल होता होगा, है ना? सुनिए मिसरे मौला के, मौला फरमा रहे हैं, उसका सानी हूँ, उसका सानी हूँ, नहीं जिसका कोई मिसरो नजीर। हाय हाय, सुनिए मौला फरमा रहे, उसका सानी हूँ, नहीं जिसका कोई मिसलो नजीर, जो है वलियों का वली, जो है अमीरों का अमीर। आए हाय सुने, जो है वलियों का वली, जो है अमीरों का अमीर, जिसको जिसको बख्शी है मोहम्मद ने अलम की जागी। आए हसन, जिसको बख्शी है मोहम्मद ने अलम की जागीर, जिसको अल्लाह ने भेजी है फलक से शमशीर। सुने, जिसको अल्लाह ने भेजी है फलक से शमशीर, उसके हर नक्शे बनी हाशिम का कमर कहती है। आखिर में ये दो मदाब की बेहतरीन समातों की नजर करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। बहुत खूबसूरत सुने आप, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मिस्रों की दाद चाहता हूँ, दुआएं चाहता हूँ, आप बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि जिक्र ही ऐसी शख्सियत का हो रहा है। मौला फरमाते हैं, पाई मुझसे भी मुरादी हर एक फरियादी, पाई मुझसे भी मुरादी हर एक फरियादी ने, ये शरफ बख्शा है कौनैन की शहजादी ने। आए हाय सुने, ये शरफ बख्शा है कौनैन की शहजादी ने, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, अब्बास का बाबा, हम सब का मौला, हम सब का मौला, दामाद पैगंबर, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर, नारे हैदरी। अपने अजदाद के किरदार का काश हूँ मैं, जो भी अनजान है वो जान ले आबास में। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। सारे बंद छोड़ते हुए आखिरी बंद आपकी समातों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बैत दिल में उतर जाए तो मेरे हक में दुआ कर लिएगा, जाहिद भाई का बच्चा बीमार है उसके हक में दुआ कर लिएगा। सुने, हाजिर करता हूं खास तौर से, मर्जी रब थी। मौला फरमा रहे, हसास मिसने बैत पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दिएगा। मर्जी रब थी ना मिल पाया मुझे इज़्न-ए-विवाह,
वाला फरमान है। मर्जी रब थी न मिल पाया मुझे इज़्ने रगा, थी ये मजबूरी के मैं कर न सका वादा वफा। मौला फरमा रहे हैं ये मजबूर, मिसाल देखिए, ये मजबूरी के मैं कर न सका वादा वफा, फिर भी बेमिसल सकीना से है रिश्ता मेरा, हाय हाय बस में, फिर भी बेमिसल सकीना से है रिश्ता मेरा, फिर भी बेमिसल सकीना से है रिश्ता मेरा, हो नहीं सकता मैं ता हश्र सकीना से जुदा। सुने कैसे, हो नहीं सकता मैं ता हश्र सकीना से जुदा, अब भी मशकीज़े को भतीजी।